सुप्रभात बच्चों, कक्षा पांचवी विषय हिंदी उप विषय पाठ दो ध्वनि तथा वर्ण। पुस्तक का नाम नई गुलमोर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 3। पिछले दो व्याख्यान में हम वर्ण की ध्वनियां, स्वर तथा व्यंजन, उनके बारे में पढ़ चुके थे। आज हम व्यंजन का ही रूप रे व्यंजन, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, रे के विभिन्न रूप हैं, जैसे तीर, तीर में र लिखा हुआ है। इस प्रकार वर्षा में भी र है, वो शिरोरेखा के ऊपर आया हुआ है। इसी तरह प्रणाम में भी र नीचे लगा हुआ है और ट्रक में भी र नीचे लगा हुआ है। रे व्यंजन को लिखकर व्यक्त करने के लिए तीन चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। पहला है र, दूसरा है ये वाला र जो शिरोरेखा के ऊपर लगता है, इसे रेव कहते हैं, तथा ये वाला र जो पदेन होता है, जिसको आपने पीछे चित्र में भी देखा है, जो तीन अलग अलग स्थितियों के लिए हैं। ये स्थितियां इस प्रकार हैं। र का प्रयोग स्वर के साथ, र, यदि र व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे हमेशा र वर्ण से ही लिखा जाता है, जैसे राम। अब र के बाद क्या है? आ। आ क्या है? स्वर है, और इसको लिखा गया किस तरीके से? राम, तो र के रूप में ही लिखा गया। इसी तरह रेखा, रुपया, रोगी आदि। अब र का प्रयोग है व्यंजन के साथ। यदि र व्यंजन किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तो उसे दूसरे वर्ण, इस प्रकार से लिखा जाता है। इस वर्ण को रेफ कहते हैं। यह हमेशा उस व्यंजन की शिरोरेखा के ऊपर लगता है जिस व्यंजन के साथ र मिलाकर बोला जा रहा है, जैसे धर्म। अब हमने धर्म को कैसे लिखा? ध अ र म अ। अब ये र म से पहले बोला गया है, तो अब ये कहां लगा? म के शिरोरेखा के ऊपर। इसी तरह कर्म दर्द भी है। अब है व्यंजन का प्रयोग र के साथ। यदि कोई अन्य व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तो र ध्वनि को तीसरे वर्ण, इस प्रकार लिखा जाता है। इस चिन्ह को पदेन कहते हैं और इसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों के निचले भाग में हुक की तरह, आप देख रहे हो बच्चों, इस प्रकार लगा दिया जाता है, तथा गोल आकार, जिनका आकार वर्णों का गोल होता है, उसमें हल चिन्ह के साथ इस प्रकार उसे जोड़ दिया जाता है। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण का प्रयोग हम र के साथ किस प्रकार करते हैं? तो आपने देख रहे हो यहां पर क और र। अब क की जो ये खड़ी पाई है, इसका प्रयोग र का हमने यहां इसके पैर में किया है, तो ये बन गया क्र। इसी तरह ग र, तो ग्र, प र प्र, इनको हम उदाहरण देखेंगे, ग्रहण, क्रम, भ्रम आदि। दूसरा बता रहे हैं कि जो गोल आकार वाले व्यंजन हैं, जैसे ट ड है, इनका प्रयोग हम र के साथ कैसे करेंगे? इन दोनों व्यंजनों में पदेन, ये जो हल चिन्ह है, इसको इसके साथ प्रयोग करके वो इस प्रकार हमारा र बन जाएगा जब उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो उदाहरण है इसके, राष्ट्र, ड्रम, ड्रेस, ट्रक, ट्रेन आदि। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं? विच्छेद का अर्थ है अलग करना, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे माता, अब यहां पर ये शब्द है, इस शब्द को हम अलग अलग करेंगे, जैसे म आ त आ, माता। इसी तरह अमर, अ म अ र अ, अब हमने
इनके भी वर्ण विच्छेद किया। ट्रक, ट र अ क अ। अगला है शर्म, श अ र म अ। तो बच्चों ये वाला र तो शिरोरेखा के ऊपर आया है, तो ये किसके साथ बोला जा रहा है? माँ के साथ, इसलिए ये माँ की शिरोरेखा के ऊपर आया है। अब है ये पदेन वाला र, इसका वर्ण विच्छेद प्रेम का हम करेंगे, प र ए म अ, तो बन गया प्रेम। वर्ण विच्छेद के बाद आता है वर्ण संयोजन। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। वहां पर वर्णों को अलग अलग किया था, लेकिन यहां पर हमें वर्णों को जोड़ना है। जैसे कृपा, क री प आ, जो री की मात्रा है वो री इस प्रकार लिखा गया। इसी तरह से सैनिक, स ए न ई क आ, सैनिक। इसी तरह पुस्तक, प उ स त अ क आ, तो ये हो गया वर्णों का संयोजन। अब है हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हैं परंपरागत स्वर, वर्ण तथा उनकी मात्राएं। तो बच्चों ये जो आपके लिखे हुए हैं ये तो सारे क्या हैं? स्वर। और ये नीचे इनका प्रयोग मात्रा के रूप में हम इस प्रकार करते हैं। फिर आते हैं अनुनासिक स्वर, जिसको हम बिंदु तथा चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो इनकी मात्राओं का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं, ये तो है चंद्र बिंदु और ये है बिंदु। फिर आता है इसके बाद आगत स्वर तथा उनकी मात्राएं। आगत स्वर जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं, जिसको हम मात्रा के रूप में इस प्रकार प्रयोग करते हैं। स्वर के बाद आते हैं परंपरागत व्यंजन। इसमें हमारे ये वर्ग बटे हुए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग। तो ये तो है हमारे सारे मौखिक व्यंजन, जिनका उच्चारण मुख के द्वारा होता है। और ये है हमारा नासिक के व्यंजन, जिनका उच्चारण हम नाक के द्वारा करते हैं। ध्वनि हवा नाक के, इन ध्वनियों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है। इसके बाद है प वर्ग, फिर है य र ल व श स स ह। इसके बाद आते हैं आगत व्यंजन, जो ज और फ, इनके नीचे हमने नुक्ता लगा दिया था तो बन गए ज और फ। इसके बाद आते हैं नव विकसित व्यंजन, ड और ढ। बच्चों व्याख्यान तीन का आज का आपका गृह कार्य है प्रश्न एक, र के विभिन्न रूपों के सही प्रयोग पर गोला लगाएं। आपके पास दो शब्द, तो आपको जहां पर भी र का सही प्रयोग किया गया है उस शब्द पर आपने गोला लगाना है। प्रश्न दो, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। ये शब्द आपके सामने हैं कमल, बादल और भक्ति, इनका आपने वर्ण विच्छेद करना है। तीसरा प्रश्न है हमारे त्योहार विषय पर 10 वाक्य लिखने हैं। बच्चों व्याख्यान दो से संबंधित आपका गृह कार्य था नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचकर कॉपी में लिखो। प्रश्न एक, व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर है व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुंह से बाहर निकलने वाली वायु मुख के मार्ग में रुकावट पैदा की जाती है। प्रश्न दो, प्रत्येक के दो दो शब्द लिखिए। क्ष से क्षमा, कक्षा। श्र से श्रम, श्रमिक। त्र से पत्र, मित्र। ज्ञ से ज्ञानी, विज्ञान। प्रश्न तीन, उच्चारण के अनुसार वर्णों पर बिंदु तथा चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाइए, जैसे कंघा, चांदी, पांच, कंस।